ज्योतिष ज्ञान चैनल के सदस्य बन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष ज्ञान चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष धनत्रयोदशी का महापर्व 5 नवंबर 2018 को मनाया जाएगा। ऐसे में जिस प्रकार धनत्रयोदशी पर शास्त्र प्रमाणित गणपति, कुबेर, महालक्ष्मी व धन्वंतरी देव के पूजन का महत्व है, उसी प्रकार इस दिन यम दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में मैं आपको धनत्रयोदशी पर यम दीपदान की शास्त्र प्रमाणित जानकारी से अवगत कराने जा रहा हूँ। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति धनत्रयोदशी पर यम दीपदान तो कर देते हैं, किंतु शास्त्र अनुसार किस विधि से यम दीपदान करना चाहिए इस बात की जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं होती और इसी कारण अक्सर लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि यमदेव का पूजन पूरे साल में सिर्फ धनत्रयोदशी के दिन किया जाता है, किंतु पूजन की सही विधि क्या है इस बात की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक होती है। तो आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं शास्त्रों में क्यों बताया गया है यमदीप दान का महत्व। मित्रों, शास्त्रों में यमदीप दान के बारे में बताया गया है कि धनत्रयोदशी पर जो भी व्यक्ति यमदेव के निमित्त दीपदान करता है उस व्यक्ति के परिवार में नहीं होती किसी भी प्रकार की अनहोनी, वह अकाल मृत्यु का नहीं करना पड़ता जीवन में सामना। यमदीप दान करने से आयु योग में वृद्धि होती है व स्वास्थ्य योग में होती है पुष्टि। साथ ही घर के किसी भी व्यक्ति के 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उस व्यक्ति को स्वर्ग में वास मिलता है, अर्थात यम के दूत उस व्यक्ति को लेने नहीं आते। बताई गई किसी भी प्रकार की अनहोनी हमारे जीवन में देखने को ना मिले, इसी कामना का ध्यान करते हुए हम धनत्रयोदशी के ऊपर यमदेव का दीपदान करते हैं, किंतु अक्सर लोगों को सही जानकारी ना होने की वजह से लोग यम दीपदान को शास्त्र विधि से नहीं कर पाते। मित्रों, धनत्रयोदशी पर 13 दीपक जलाने की प्रथा काफी समय से चली आ रही है। उन्हीं 13 दीपक में से एक दीपक यमदेव का भी लोग निकाल देते हैं, जो कि शास्त्र मत अनुसार गलत है। धनत्रयोदशी पर जलाए गए यह 13 दीपक गणपति, लक्ष्मी, कुबेर, सरस्वती के साथ साथ ही हमारे ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवताओं के निमित्त जलाए जाते हैं। इन 13 दीपकों के अंदर यम दीपदान को सम्मिलित नहीं किया जाता, जो कि जानकारी ना होने के कारण 90% लोग करते हैं यह गलती। धनत्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में जब आप गणपति, कुबेर, माँ लक्ष्मी का पूजन कर दीप प्रज्वलन करते हैं, उन 13 दीपकों के साथ कभी भी यम दीप प्रज्वलन नहीं करना चाहिए। जहां एक तरफ मिट्टी के बने 13 दीपकों में आपको एक मुखी अर्थात एक मुंह वाली लंबी बत्ती जलानी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ यमदीप दान के लिए आपको आटे का दीपक बनाकर उसमें चौमुखा दीपक अर्थात 4 मुख वाली बत्ती लगानी चाहिए और इस दीपक को आपको अन्य दीपकों के साथ प्रज्वलन भी नहीं करना चाहिए। धनत्रयोदशी के दिन पूजन करने के पश्चात में घर में व घर के आसपास के कोई मंदिर में 13 दीपक जो आपने प्रज्वलित किए हैं उन्हें स्थापित करने के बाद में यमदीप दान का महत्व बताया गया है। मंदिर से लौटते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ आटे से बने दीपक को स्थापित करें। घर के दाईं तरफ इस दीपक को रखने के पश्चात अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ कर इस दीप को प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात इसमें कुछ मीठे का भोग लगाएं और यमदेव को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारे घर में रहने वाले समस्त जातकों की आयु योग में वृद्धि हो, स्वास्थ्य योग में पुष्टि हो, घर के किसी भी व्यक्ति को जीवन में नहीं देखने को मिले किसी भी प्रकार की अनहोनी, इस प्रकार का यमदेव हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम आपका पूजन घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ कर रहे हैं, यहीं से आप अपना प्रसाद ग्रहण कर वापस लौट जाएं। इस मुख्य द्वार के भीतर कभी प्रवेश ना करें। ऐसी कामना का ध्यान करने के पश्चात अपने घर के भीतर आकर मित्रों आपको हाथ पैर अवश्य धोने चाहिए, जो कि 90% नहीं 100% लोग करते हैं गलती। हाथ पैर मुँह धोने के पश्चात व शरीर को जल से प्रोक्षण करने के पश्चात ही अन्य कार्य करें और घर के पूजन स्थान पर जाकर पुनः गणपति, कुबेर और माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें। इस विधि से यमदीप दान करने के पश्चात उस परिवार के जातकों को कभी भी नहीं देखने को मिलती किसी भी प्रकार की अनहोनी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।